जालंधर के फुटबॉल चौक के नजदीक स्थित देश विदेश के जाने माने और प्रतिष्ठित एसटी अस्पताल में संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों के लिए अब आईवीएफ सेंटर की भी शुरुआत कर दी गई है। गत दिवस एसटी अस्पताल में आईवीएफ सेंटर का शुभारंभ हुआ। इस उपलक्ष्य में निजातम नगर स्थित श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम की प्रमुख मीराबाई जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने सेंटर प्रबंधकों और उनके परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद भी दिया। इस सुअवसर पर सेंटर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित प्रमोद शास्त्री ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ सेंटर प्रबंधकों, विशेषज्ञों की टीम और स्टाफ से आहुतियां डलवाई। सेंटर के उद्घाटनी समारोह में एसटी ग्रुप के चेयरमैन हरीश कपूर, डायरेक्टर कम काउंसलर डॉक्टर आशीष कपूर, भावना कपूर, डॉक्टर नवनीत कपूर, आकांक्षा कपूर, अर्पित कपूर, बत्रा प्लाजा लुधियाना से विक्की बत्रा, हेमा बत्रा, हरीश इंटरनेशनल लुधियाना से सौरव छाबड़ा, श्रुति छाबड़ा, भाजपा के उपाध्यक्ष प्रदीप खुल्लर और एजीआई क्राइम राजेश्वर सिंह सिद्धू के अलावा डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर चित्र गुप्ता, डॉक्टर रिम्मी महाजन, डॉक्टर निखिल गुप्ता, डॉक्टर वरिंदर अत्री, डॉक्टर शक्ति चोपड़ा, डॉक्टर सुरजीत भाटिया और सिविल सर्जन ऑफिस से दीपक बपोरिया, भूमि कंस्ट्रक्शन से कुंद्रा परिवार समेत बड़ी संख्या में इलाके के गणमान्य व्यक्ति और कपूर परिवार के सदस्यगण भी उपस्थित रहे। कपूर परिवार के परिजनों और गणमान्यों ने डॉक्टर आशीष कपूर और एसटी ग्रुप के चेयरमैन हरीश कपूर तथा उनके पारिवारिक सदस्यों को सेंटर की शानदार ओपनिंग पर मुबारकबाद भी दी। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਐਸ ਟੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲਗਭਗ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੋੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ। ਮਗਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸ ਟੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈ ਐਸ ਟੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਂਡ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਸੈਂਟਰ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ IUAE, IVF, ICSI ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਂਝ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਝ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਵੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੂੰਜਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜਣ। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रिमी महाजन, एमडी ऑफ गायनी, फेलोशिप इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। आज तो एसटी अस्पताल विखे एज एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट अपनी सेवावां देना शुरू कर रही हाँ। जिहड़े भी दंपति बांझपन नाल जूझ रहे हैं, हाले तक बच्चा कंसीव नहीं कर पाए, वो इत्थे आ सकते हैं ताकि आधुनिक तरीकों द्वारा अपना इलाज करवाण, ताकि उन्होंने घर भी किलकारियां गूंजन। इत्थे टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट IVF ICSI हर आधुनिक तरीके द्वारा इलाज किया जाएगा।